सबसे पहले तो मैं नितिन तेजवानी जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी. ही इज वेरी फेमस डायरेक्टर. कहानी घर घर की, कहीं किसी रोड, बालाजी के काफी सारे शोज किए जिनके नाम मुझे याद नहीं है. वो नितेश जी बताएंगे. और नितेश जी बुरी बुरी रहते हैं और स्पेशली मेरे लिए टाइम निकाल के आए. इनकी मम्मा 3 साल से बीमार है, जो 3 साल से ही उनकी सेवा में लगे हुए हैं. तो थैंक यू सो मच कि स्पेशल आप टाइम मेरे लिए आए हैं निकाल के. तकरीबन 2 साल के बाद गणपति इतने धूमधाम से मनाए जाए, लाल बाग का राजा, मतलब लाइक पेल्टेड पहली बार हो रहा है. अब तो कोविड तो फर्स्ट टाइम है. फर्स्ट टाइम, हाँ. तो 2 साल के बाद इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है, बहुत लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब अच्छा ही है. मतलब जो लोगों को लगता था कि गणपति बाबा, एक्चुअली मैं उनको बहुत मानती हूँ. एवरी ट्यूजडे मैं सिद्धिविनायक जाती हूँ और आज ट्यूजडे है. आज गणपति जी का विसर्जन करने के बाद में मैं रात को सिद्धिविनायक जाने वाली हूँ. 2 साल से मैं नहीं जा पाई थी. तो मुझे ऐसा लगता था कि कई लोग जो नहीं मानते गॉड को, जो मानते वो इतनी आस्था रखते हैं कि अगर हम जाते हैं पप्पा से, हम कुछ मांगते हैं तो वो हमें देते हैं. और आशीष पप्पा से मैंने जो भी मांगा है, सिद्धि विनायक जी से, लालबाग राजा से, मतलब जो भी मेरे भगवान हैं, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है. और आज जो हम यहाँ बैठे हैं, जो एक अच्छे माहौल में है, तो पप्पा की कृपा से हम बैठे हुए हैं. और जो काफ़ी अपकमिंग शोज है जो आपने किए हैं, और अभी कौन से शोज आप करेंगी? एक्चुअली करके मेरा काफ़ी गैप हो गया. लास्ट मैंने कॉमेडी क्लासेस किया था, बीच में कुछ क्राइम स्टोरीज जो लीड थी वो मैंने की. जस्ट मैंने अभी 2 हरियाणवी सॉन्ग किए जो मैंने फर्स्ट टाइम किए हैं, क्योंकि मेरी फैमिली हरियाणा से बिलोंग करती है. तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे हरियाणवी गाने भी करने चाहिए. मैं जो 4-5 पंजाबी गाने कर चुकी हूँ. अभी मेरी एक मूवी का शूट स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो बीच में हमने होल्ड किया है, तो अभी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा. और बाकी जो मैं तो टीवी अच्छा लगता है मुझे भी, तो वेब का मार्केट आ गया है. तो लास्ट मैंने 1 ही वेब की थी. तो आप अभी कौन से OTT प्लेटफॉर्म के साथ आप करने वाले? अभी मैं फोकस एक्चुअली मैं कभी फिल्मों में मैंने इतना किया नहीं, लेकिन अभी मेरा मेन फोकस अच्छे प्रोजेक्ट करना है. OTT प्लेटफॉर्म, फिल्म या OTT, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं करना है. सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? OTT इज वेरी नाइस. मैंने लास्ट मंथ 2 एपिसोड किया है वेब सीरीज के, अतन के लिए. ये मैंने बहुत कर रहा हूँ, इट्स ए कमबैक फॉर मी. मैं ऑलमोस्ट 6 ईयर्स इन बालाजी, 3 ईयर्स इन बैक फिल्म, और 2 साल मैंने एंडोमॉल, बहुत सारी कंपनी 39 शोज के एंड पे मैंने लास्ट मंथ चालू किया. लास्ट मंथ 2 वेब सीरीज किया, दिस मंथ आई एम 2 वेब सीरीज. और बाकी वेब सीरीज का नेम आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? दोनों पर रिलीज नहीं हुए. ओके, मैं बता दूँ. एक मैं बता दूँ जो अप्रूव और ऑलमोस्ट एडिट हो चुका है, इश जुनू. स्टार कास्ट सब नए थे. हम लोग पहली बार जब मिले थे ना, तो हमारी कॉमन फ्रेंड है, तो मेरे फ्रेंड की वाइफ है वो, तो हम लोग इनका वेट कर रहे थे लालबाग पे, और ये लेट आई थी. तो हम लोग खड़े हुए, इनकी वजह से हमने दर्शन नहीं किए. फिर हमने सबने साथ में जाके दर्शन किए, तो पहली बार में मिला था. फिर उनके बाद इन्होंने घर पे गणपति रखने शुरू किए कार्निवली में, फिर यहाँ, फिर ये शायद 3रा साल है, जो मतलब मैं 3रा साल. तो विसर्जन में भी साथ में गए और हम लोगों ने पूजा भी यहाँ पे किया. तो इनका बड़ा अच्छा रहता है, इनकी श्रद्धा बहुत है. एक तो फिर इनका डेकोरेशन वगैरह, गणपति बप्पा का भोग लगाना, सब रिचुअल एकदम सिस्टमेटिक होते हैं. तो एक बड़ा एक मजे वाली बात है. और सर मम्मी जी के साथ आपका कितने साल का इंडस्ट्रियल रिश्ता है कि एज अ फ्रेंडली रिश्ता है? नहीं, हमने काम तो किया नहीं कभी साथ में, तो प्रोफेशनल तो है ही नहीं. इट्स लाइक वी वेरी गुड फ्रेंड्स. और हमारे जो ग्रुप में जो भी फ्रेंड है, मेरा बर्थडे 13 अगस्त, इनका 14 अगस्त, और हमारे एक और कॉमन फ्रेंड है 15 अगस्त. मैं जीजू, तो हमने वाली है, बहुत सारे बर्थडे साथ में मनाए. एवरी ईयर हम लोग साथ में बर्थडे मनाते हैं. सिर्फ 2 साल से हमने साथ में नहीं बनाया. जैसे आपने साइला चड्ढा का नाम सुना होगा, निमे बाली जी, दे आर लाइक माई मतलब फैमिली. तो प्रतीक जी उन्हीं के थ्रू मेरे दोस्त बने थे, साइला दीदी के थ्रू. सर आप क्या कहना चाहेंगे आफ्टर 2 ईयर्स गणपति बापा बैक टू महाराष्ट्र एंड मुंबई ऑल्सो? थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड बहुत अच्छा लगा गणपति उत्सव पे मुझे बुलाया, बापा का आशीर्वाद लेने के लिए, शादी के लिए. एंड इनफैक्ट काफ़ी पहुँचा चुके थे, इनफैक्ट 2-3 दिन पहले से बता रहे थे. मुझे लगा कि अगर आज मैं टाइम पर नहीं पहुँचा मेरी क्लास लग जाएगी. मैं भागता भागता हूँ. बस ये बहुत अच्छा लगा, और सबके लिए शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद मिले बापा की तरफ से, सबका काम अच्छे से चले, बस ये कहना चाहते हैं. सर अभी क्या कर रहे हैं, मतलब अभी आप कौन सा करंट कौन सा शो कर रहे हैं, अपकमिंग कौन सा शो कर रहे हैं? राइट नाउ मैं मोस्टली अभी टीवी कमर्शियल्स ही किए हैं 3-4 रिसेंटली, और
दो वेब सीरीज आने वाली है प्रोबेबली शायद इस मंथ एंड में स्टार्ट हुई या नेक्स्ट मंथ का मतलब शूटिंग स्टार्ट हुआ कि मतलब रिलीज शूटिंग शूटिंग तो मेरी माताजी को तो आपने देखा होगा मेरी मम्मी है जो एवरी टाइम मेरे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं इतनी खूबसूरत कैसे हूँ पूछते हैं कि अरे कहाँ से फेशियल करवाया क्या करवाती हो तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि जो मैं खूबसूरत हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ क्योंकि वो खूबसूरत है और ये मेरी मम्मा की दोस्त है जो ये लोग छोटी मोटी सोशल वर्कर भी है जो महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ काम करती रहती है मतलब महिला कार्यकर्ता है मीरा महेंद्र में तो आंटी जी बताइए आप मैं सोशल वर्क फील्ड में 22 सालों से हूँ और मैंने लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा पहचान बनाई है काम करके उसके पहले करती थी तो शायद मेरा कुछ नहीं क्योंकि मैं बहुत सारे एनजीओ से जुड़ी थी लॉकडाउन में मुझे जुड़ने का नतीजा मुझे लॉकडाउन ने दिखाया क्योंकि मैंने जब ज़रूरत पड़ी तो कई सारे अपने जुड़े हुए एनजीओ वालों से जब मैंने बात करी तो उन्होंने लोगों को हेल्प करने के लिए उन्होंने जब मना करा तो हम बहुत आहत हुई और बहुत हुई उसके बाद हमने खुद से सोचा कि क्यों ना हम पर्सनल जब लोगों के साथ जुड़ के अच्छा काम अगर है तो क्यों ना पर्सनल लेवल पे किया जाए तो मुझे मेरे बच्चों ने मेरा सपोर्ट किया और मैंने पर्सनल लेवल पे काम किया और ये शायद मेरे पापा की कृपा है मैं भी मुंबई हूँ मैंने भी बहुत साल पापा को रखा है घर पर और अभी भी इस बार डेढ़ दिन के लिए मैंने गणपति पापा जी रखे थे तीसरा साल था मेरा और आगे जब तक पप्पा मेरे घर पे आएंगे रखूंगी और दीदी मुझे हर साल बुलाती थी लेकिन किसी कारण से मैं नहीं आ पाती थी इस बार मैं दीदी के यहाँ आई और वो भी मैं भूल गई थी कल जब उनका रात 11 बजे फ़ोन आया मैंने कहा मैं अब तो कहीं बाहर हूँ तो बोली नहीं आना ज़रूर है तो मैंने कहा मैं कल आऊँगी सुबह मैंने फ़ोन किया बोली नहीं नहीं आओ और इतना अच्छा लगा जैसे ही मैं घर में घुसी ना जो पॉजिटिव वाइब्स आया किस तरह भगवान को मानती है बहुत अच्छे से बात होती है भगवान को बहुत मम्मी पापा से बच्चों से भैया भाभी से सबसे प्यार करती है बहुत अच्छा प्यार करती है सबको एकदम और गणपति बाबा आए उससे तो एकदम से अच्छा अच्छा होता है अभी गणपति बाबा जाएगा तो हम लोग का मन नहीं लगेगा बहुत सोना सोना लगेगा हम लोग इधर बैठे रहते हैं भजन करते रहते हैं और एकदम सोना पड़ते लगेगा ना अंदर इट्स अ वेरी गुड थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल और पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा त्यौहार है और पीपल आर रियली हैप्पी और उनके लिए तो लाइक लार्जर देन लाइफ बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये महाराष्ट्र का वी ऑल आर हैप्पी एंड इस बार एक्चुअली फॉर द फर्स्ट ईयर फर्स्ट टाइम मैंने भी अपने घर में गणपति रखे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक तो एंड अच्छे दर्शन हो रहे हैं फ्रेंड्स से मिलने को हो रहा है विजिट कर रहे हैं एक दूसरे के घर गणपति के दर्शन हो रहे हैं तो अच्छा लग रहा है आफ्टर 2 इयर्स या आफ्टर 2 इयर्स और आप किस फिल्म में और कैसे हो अभी कोई करंट आपका शो चल रहा है आपने कभी अपना कौन सा शो किया उसके बारे में बता सकते हैं आई हैव डन लॉट शोज इन द पास्ट आई स्टार्टेड विद आई डन माय एक्टिंग करियर विद रोशन करियर एंड देन आई डन अ शो कॉल्ड क्योंकि सास भी कभी बहुत थी डन उसके बाद मैंने डोली से जाके किया कहानी किया राइटर आशीर्वाद किया अब तक रिसेंटली मैंने 2 वेब सीरीज की विच दे आर अबाउट टू रिलीज और उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे वेब सीरीज के बारे में स्टार कास्ट और डायरेक्टर करंटली आई एम डूइंग अ शो कॉल्ड कंट्रोल रूम बियॉन्ड ड्रीम्स का शो है वीकेंड शो है और उसमें स्टार कास्ट की अगर हम बात करें निशान मलखानी थे उसमें है सुगंधा मिश्रा करके एक्ट्रेस हैं वो हैं मैं हूँ और सिद्धांत सूर्यवंशी हैं वो हैं अलार सलवार कहकर हैं वो हैं और नियोल स्मिथ करके जो हमारे डायरेक्टर हैं वो हैं देन देयर इज ताहिल आजम गणपति बाबा